बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। महिला मंडल के द्वारा रुद्र यज्ञ कर चलित हवन का हुआ आयोजन। ठीकरी नगर में गांधी चौक स्थित हिरण्य गर्भेश्वर मंदिर परिसर में महारुद्र का यज्ञ के साथ चलित हवन का आयोजन रविवार को हुआ। आयोजन नगर की महिला मंडल के द्वारा किया गया। इस कोरोना महामारी जैसी वैश्विक बीमारी एवं ब्लैक फंगस के साथ अन्य बीमारियों ने देश में जिस प्रकार हाहाकार मचाया है, ऐसी बीमारियों से देश को बचाने के लिए महिला मंडल के द्वारा महारुद्र यज्ञ कर ठेले पर यज्ञ कर आहुतियाँ डाली, जो नगर के मलिहार चौक, यादव मोहल्ला, राठौड़ मोहल्ला होकर बस स्टैंड मुख्य मार्ग से होते हुए चौपाटी तक पहुंचा। इस दौरान कई लोगों ने आहुतियाँ भी डाली। वहीं महिलाओं ने बताया कि बुधवार को पूरे नगर की महिलाओं से अपने अपने घरों में यज्ञ कर 24 आहुतियाँ डालें, जिससे वातावरण में फैली बीमारियाँ दूर हो सके, साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो, मन प्रसन्न हो सके। आज हवन इस उद्देश्य के लिए किया गया है, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, पूरा गांव सुरक्षित रहे, पूरे गांव में वातावरण शुद्ध हो। दसों दिशाओं से हवन से वातावरण शुद्ध होता है, तो दसों दिशाओं से आसुर शक्तियों का नाश हो और सभी के अंदर, सबके मनों में, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि हो, इस निमित्त यह चलित हवन किया गया है। और दूसरा संदेश दिया जाएगा कि बुधवार के दिन, बुध पूर्णिमा के दिन प्रत्येक घर में यज्ञ हो, 24 आहुतियाँ दी जाए और अपने घर को सुरक्षित रखें, कोरोना जैसे महामारी से बचे रहें। नगर के श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन। किया यज्ञ व कन्या भोज। निवाली नगर के मंदिर चौक स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में आज सार्वजनिक महिला मंडल द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मां नर्मदा की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए यज्ञ किया, जिसके बाद कन्याओं को भोज करवाया गया। क्या नाम आपका? आज ये मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ, किस उपलक्ष्य में क्या मनाया गया? कोरोना काल के इस महामारी में हमने नर्मदा मैया की मूर्ति को स्थापित किया गया है, उसी द्वारा हवन भी किया गया है और कन्याओं को भोजन कराया गया है, जिससे कि ये सब महामारी की शुद्धि हो।